दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में तेलंगाना के गौशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा भी शामिल हुए और सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन करते हुए मंच से खूब गर्जे। टी राजा ने कहा कि सनातन बोर्ड के लिए जो भी नौजवान योगदान देगा वो अमर है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो भी विद्रोहियों का नाश करेगा वो अमर हो जाएगा। टी राजा ने सनातन बोर्ड के अलावा लव जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का अभी वातावरण है उसे देखकर साधु संत जो कि शास्त्रों का पाठ करते थे वो भी आज कह रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ। देखिए आज हिंदू जाति पर बट रहा है, आज हिंदू कास्ट पर धर्म पर बट रहा है, इसलिए हिंदू कट रहा है। तो संतों की वाणी है, योगी जी की वाणी है, मोदी जी की वाणी है, संगठित रहो। संगठित रहोगे तो बचोगे, नहीं तो मुश्किल होगा। संदेश बहुत अच्छा है, क्लियर है। महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद की बात हो रही है, कई मुस्लिम संगठनों ने महाविकास आघाड़ी को वोट करने की बात की है। देखिए महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर है, जो बाला साहब ठाकरे जी के फॉलोअर है, वो सब के सब लोग बीजेपी को ही वोट डालेंगे। डुप्लीकेट जो है शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना को कोई मानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस से जो हाथ मिलाएगा, जिस दिन भी मेरी शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाएगी उस दिन मैं शिवसेना खत्म कर दूंगा, वो बोलने वाले बाला साहब ठाकरे। तो शिवसेना जो सचमुच में जो शिवसेना है वो आज बीजेपी के साथ है, कार्यकर्ता साथ है। मैं तौकीर रजा को कहना चाहूंगा कि छोड़ दो, तुम्हारे लोगों को छोड़ के देखो, जो हिंदुओं पर उंगली उठाएगा उसका काम तमाम करना हमें आता है। देखिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, इसलिए जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हमारा सनातन बोर्ड भी कंपलसरी है, होना चाहिए।